हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बसंत पंचमी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे सफलता प्राप्ति के लिए आज किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। आज ही के दिन से भारत में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव और उनकी पूजा का विधान है। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद की जाती है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जो भी लोग माँ सरस्वती की पूजा सच्चे हृदय और पूरे विधि विधान से करते हैं तो उन्हें माँ के आशीर्वाद स्वरूप विद्या, बुद्धि का वरदान और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सफलता प्राप्ति के एक खास उपाय के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त के बारे में। बसंत पंचमी तिथि होगी 5 फरवरी दिन शनिवार। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातः काल 7:07 से दोपहर 12:35 तक। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी प्रातः काल 3:47 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी प्रातः काल 3:46 पर। आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी के दिन सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी की पूजा का विधान है। माँ सरस्वती ज्ञान और शांति का प्रतीक भी मानी गई हैं। इसलिए उनकी पूजा के दौरान विशेषकर विद्यार्थियों को उन्हें प्रसन्न करने और शिक्षा का वरदान प्राप्त करने के लिए पूजा में सफेद और पीले रंग के फूलों व वस्त्रों का प्रयोग करते हुए विधिवत पूजा सम्पन्न करनी चाहिए। माँ सरस्वती को प्रसाद के रूप में बूंदी व चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नानादि के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर माँ सरस्वती का ध्यान और पूजन वंदन करें। पूजा के समय शिक्षण सामग्री जैसे कॉपी, किताब, कागज, कलम आदि चीजों की भी पूजा करें और यदि आपके पास कोई वाद्य यंत्र हो तो उसे भी पूजा में शामिल करें। इसके बाद माता पिता सभी बड़ों और गुरुजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन वस्त्र और भोजन का दान जरूर करें। शास्त्रों में कोई नया शुभ कार्य करने के लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे श्रेष्ठ व उत्तम माना जाता है। आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु व शिव जी की भी विधिवत पूजा कर माँ सरस्वती को सफेद पुष्पों की माला, सिंदूर व अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। पूजा में देवी सरस्वती के चरणों पर गुलाल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को सच्चे मन से करने मात्र पर आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति की योग बनते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का 108 बार जाप कर माँ को हरी इलायची और मिश्री का भोग लगा दें। इससे आपको सफलता प्राप्त होगी और साथ ही माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होगा।